बीते कल चंडीगढ़ नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने बापूधाम सेक्टर 26 की पूर्ण निवासित कॉलोनी से अवैध अतिक्रमण हटाए, लेकिन एक और जहां निगम अधिकारी अतिक्रमणकर्ताओं को पूर्व में कई नोटिस देने का दावा कर रहे हैं, वहीं स्थानीय निवासी का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसके बावजूद यदि लोगों को शिकायत है कि प्रशासन एक्शन नहीं ले रही है, तो कम से कम उन्हें उनका जरूरी सामान निकालने का समय तो दिया जाता, लेकिन प्रशासन ने उन्हें घरों से सामान निकालने का समय तक नहीं दिया। देखिए हमारे संवाददाता खुशविंदर धालीवाल की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम कालू त्यागी, एनजीओ लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी से हूँ मैं। आज बापूधाम में जो तोड़फोड़ हुई है, ना ही इसका किसी को नोटिस आया है, ना ही प्रशासन ने किसी को बताया है, ना ही पुलिस ने बताया। सिर्फ ये 11 बजे आए, ना ही किसी को घर से सामान निकालने का मौका दिया। सबका सामान, गीजर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब दब गया है। ये टूटे पीछे मकान सारे लाइन से देख लीजिए आप आगे, इसमें पूरा है, पौड़ियाँ तक तोड़ दिया। अगर ऊपर किसी ने जाना है अपने घर में, कैसे जाएगा? जब पौड़ियाँ तोड़ दी उसकी, अब कैसे जाएगा? वो ऊपर जा ही नहीं सकता। सुनने में ये आया था कि परसों रात्रि को या कल रात्रि को पुलिस ने भी कॉल की थी कि यहाँ से जो स्थानीय नेता वगैरह हैं उनको बुलाया गया था। सर, स्थानीय नेताओं को बुलाया गया, मगर किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी भी यार थोड़ा ही होगी, तुम्हारे अपने सामान निकाल लो मकानों से, तोड़फोड़ होगी निकाल लो। किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी यहाँ पर हमारे को। अगर हमको दी होती अपना, हमारा गीजर, मेरा गीजर दब गया, घर का वॉशिंग मशीन दब गई, पानी की टंकी दब गई, किचन का सारा सामान दब गया, सिलेंडर टूटा हुआ निकाल रहा हूँ मैं, उसमें बैठा हुआ लगा हुआ हूँ 11 बजे तक, कहाँ जाऊँ मैं अब? अब आप अपनी तरफ से प्रशासन को क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? रिक्वेस्ट क्या करनी भाई साहब, तोड़े सबके तोड़ो, फिर जो आगे छुट्टे वो भी तोड़ो। मैं दिखाता हूँ कितने बड़े लोगों के नजायज मकान सबके वहाँ पे। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद सिकंदर है और मैं यहीं बापूधाम कॉलोनी का स्थानीय निवासी हूँ। मेहनत मजदूर करने वाले इस कॉलोनी के अंदर आज एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर स्थानीय लोगों के जो मकान है वो बिना किसी नोटिस के तोड़े गए हैं। देखिए सर, ये प्रशासन ने जो भी कार्रवाई की है, चंडीगढ़ शहर के अंदर कांग्रेस बीजेपी की आपस की नूरा कुश्ती में यहाँ के स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। गरीब आदमी, उनके पास संसाधनों की कमी है, नौकरियां नहीं है, काम कारोबार नहीं है, किस किस तरीके से वो अपना लालन पालन घर परिवार चलाते हैं। एक तरफ तो हम सुनते हैं कि सरकारें किराए पर रहने वाले लोगों के लिए मकान मुहैया करवा रही हैं, और दूसरी तरफ 5 या 7 फुट की जगह अगर अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल में ले ली गई तो उसके ऊपर प्रशासन ने इतना सख्त कदम उठाया कि बिना कुछ बताए लोगों के मकानों को बेरहमी से तोड़ा गया। ना ही उनके पास इतना मौका था कि वो अपने सामान को वहां से बचा पाते। ये बहुत दुखदाई है। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे गवर्नर साहब से भी और साथ के साथ हमारे शहर के एमपी मिस्टर तिवारी जी से भी कि कृपया आप लोग अपने जो भी आपके आपस में मतभेद है या जो भी आप लोगों के पार्टी के इश्यूज हैं वो आप लोग हल करो, लेकिन यहाँ पर आम जनता को नुकसान ना पहुंचाया जाए। मैं चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुमनलता जी हूँ। ये जो मेरे साथ खड़े मेरे यहाँ के बापूधाम वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं, आज इनके यहाँ इंक्रोचमेंट ड्राइव में इनका बहुत भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था। चलिए हम मानते हैं कि अनऑथराइज जगह में इन्होंने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, पर कम से कम प्रशासन की इतनी ड्यूटी तो बनती है कि निवासियों को कम से कम इन्फॉर्म तो किया जाए ताकि वो अपना सामान उठा के तो रख दें, उसको तरीके से तोड़ फोड़ हो। उनका इतना नुकसान हुआ, सामान टूट गया, गीजर लगा हुआ था वो भी टूट गया, और ये जो इन्होंने इंक्रोचमेंट भी की हुई है ये नीड बेस्ड इंक्रोचमेंट है। हमारी पार्टी का तो मैनिफेस्टो ही है कि जो नीड बेस्ड इंक्रोचमेंट हुई हुई है, 3.5 फुट तो पहले भी दी थी जब पहले इंक्रोचमेंट हुआ था, तो कम से कम इतना तो छोड़ के जाए कि बंदा नीड बेस्ड परिवार बढ़ गए हैं, जगह की जरूरत है, मकान छोटे हैं, उसके लिए जो थोड़ी बहुत जगह लोग उसको एडजस्टमेंट के साथ थोड़ा मिलजुल के, ये भी गरीब लोग हैं, इनके साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट से चलते तो आज इतना ज्यादा नुकसान ना होता। नमस्कार जी, मैं गोपाल अत्री, सोशल वर्कर, बापूधाम निवासी। आज बापूधाम में इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जो कि बिना किसी नोटिस के दिए प्रशासन ने इंक्रोचमेंट हटाया, जिसमें कई गरीब लोगों के सामान नष्ट हो गए हैं, खराब हो गए हैं। ये बड़ा ही निंदनीय काम किया है। प्रशासन को चाहिए कि कम से कम नोटिस दिया जाए और अपना क्या कहते हैं ये लोग अपने सामानों का रख रखाव ठीक से कर सकें। ऐसे इंक्रोचमेंट ये जो भी बापूधाम में या कॉलोनियों में हैं
वो नीड बेस के जरिए है। काफी समय से जिस समय ये बन रहे थे मकान या इंक्रोचमेंट कर रहे थे, तो क्या यहाँ के प्रशासन के लोग घूमते नहीं थे? उस समय इन्होंने जो क्या कहते पैसे लेकर के जो बनवाए हैं उन पर ये सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये प्रशासन मतलब कि जो भी अधिकारी हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस समय ये इंक्रोचमेंट कर रहे थे उस समय कहाँ थे? मेरा नाम मिंटू है जी, मैं यहीं सेक्टर 26 बापूधाम में 718/9 नंबर में रहता हूँ जी। आज पुलिस वाले और प्रशासन आए थे जी, उन्होंने ना कोई नोटिस दिया ना कुछ, सीधे ही घर तोड़ने लगे, ना ही कोई हमें सामान निकालने दिया बाहर, ना ही हमें कुछ करने दिया। अब वो कह रहे हैं कि हम पूरी कॉलोनी में ही ड्राइव करेंगे। हम चाहते हैं कि सबको पहले नोटिस दिया जाए, फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी जायज कार्रवाई है वो करें।